हेलो एवरीवन वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा दिस इज मानवीर आज की वीडियो में हम लोग मेन्स लगी पदल को सॉल्व करेंगे तो उससे पहले सजेशन मेरा ये रहता है कि आप लोग जब जब पदल को देखेंगे तो आप वीडियो को पॉज करिए आराम से सॉल्व करिए ताकि आप उससे अच्छे से बनाने की प्रैक्टिस कर पाएं ये जो पजल है ये आपके आगे आने वाले सभी आर आर क्लर्क का जो मेन्स एग्जाम होने वाला है उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी मेन्स एग्जाम में इस टाइप की पजल से पूछी जाती है यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर हिंदी में भी पता लिखी हुई है आप इसको आराम से पॉज करके बना सकते हैं पढ़ना स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ फ्लोर्स इज देयर इन अ बिल्डिंग फ्रॉम टॉप टॉप टू टू बॉटम कुछ नंबर के फ्लोर्स हैं एक बिल्डिंग में नीचे से लेके ऊपर तक के बताए गए टॉप तो टू तो बॉट बॉट तो तो या बॉटम टू टॉप कैसे बोल सकते हैं ऊपर नीचे से ऊपर वन पर्सन लिव ऑन ईच फ्लोर हर pers, हर फ्लोर पर एक पर्सन रहता है बट द नेम ऑफ ओनली एट पर्सन आर नोन केवल आठ लोगों के नाम पता है हमको ए से लेके एच तक बाकी कितने भी यहाँ पर सर्टे नंबर बोला गया मतलब कुछ नंबर के पज़ल्स कुछ नंबर के फ्लोर हैं पर पता नहीं कितने नंबर के पजल फ्लोर हैं और फ्लोर में जो लोग रहते हैं उसमें से केवल आठ लोगों के नाम यहाँ पर पता है ग्राउंड फ्लोर इज नंबर वन एंड टॉप टॉप तो पता नहीं कितना है इसके ऊपर टू थ्री से करके बढ़ता जाए जितना भी होगा उतना यहाँ पर हम लिखते जाएंगे तो बेसिक बात तो बस यही थी अब आगे क्या लिखा हुआ है टू ओनली टू पर्सन आर लिविंग बिटवीन ए एंड बी ए और बी के बीच में दो ही लोग यहाँ पर रहते हैं हु लिव वन ऑफ द फ्लोर अब द फ्लोर ऑफ ए हु मतलब यहाँ पर ए बी की बात कर रहे हैं कि जो बी है वो ए के ऊपर फ्लोर पर रहता है इसका मतलब कुछ ऐसा बनेगा कि बी हम यहाँ पर बनाएंगे और बी के नीचे यहाँ पर दो फ्लोर ए आ जाए क्योंकि यहाँ बोला गया है ना कि जो बी है वो ऊपर फ्लोर पर रहता है इसे फिर लिखा है ओनली टू पर्सन लिविंग बिटवीन बी एंड एफ़ अब बोल रहे हैं कि बी और एफ में दो लोग रहते हैं अब बी ऑब्वियसली बात है कि दो नीचे तो ए है तो जो एफ होगा वो दो फ्लोर ऊपर ही आएगा कह, कहीं पर इस तरह से कुछ होगा ठीक है फिर बोल रहे हैं ओनली थ्री फ्लोर आर देयर बिटवीन द फ्लोर ऑफ जी एंड एफ़ ये बोल रहे हैं कि जी और एफ में तीन लोग रहते हैं अब दो पॉसिबिलिटी बन रही है जी या तो इसके ऊपर हो सकता है एफ़ के एफ है जी नीचे हो सकता है तो यहाँ पर हम दो पॉसिबिलिटी बना लेंगे और यहां पर हम इस पॉसिबिलिटी में बना लेते हैं कि जी जो है वो नीचे है जैसे कि यहाँ पर बना लिया हमने जी वन टू थ्री फ्लोर्स की गैप पर और इतना यहाँ बना लेते हैं बी दो गैप पर ए और ऊपर दो गैप पर क्या है एफ है और एफ के तीन गैप पर एक दो तीन बहुत ही कम स्पेस रह गया है फिर से बनाते हैं एक बार ऐसे बोल रहे हैं कुछ हमसे कि ए यहाँ पर है नीचे और दो गैप पर क्या था बी था और फिर दो गैप पे क्या था एफ था और एफ के ऊपर वन टू थ्री फ्लोर पे क्या है जी है इस तरह से हमसे ये बोल रहे हैं कि जी ऊपर भी हो सकता है दो पॉसिबिलिटियां बन रही है बना ली अब लिखा है आगे थ्री पर्सन लिव बिटवीन सी एंड ई हु लिव्स वन ऑफ द फ्लोर बिलो डी बोल रहे हैं कि तीन लोग रहते हैं सी और ई e के बीच में लिख लिया हमने सी सी और ई e, क्योंकि सी और ई e में कुछ भी पता नहीं है अभी हमको और जो हु मतलब ई e के लिए आया है जो ई e है वो डी के नीचे किसी फ्लोर पर रहता है ई e, ठीक है E does not live on first floor. अब जो E है वो first floor पर नहीं है मतलब ये first floor पर नहीं आएगा Number of persons living between E and A जितने भी लोग E और A के बीच में रहते हैं one more than तो the number of persons living between F and G। वो F और G के जितने भी लोग होंगे उससे एक ज्यादा होगा one more होगा ठीक है Both F and G live on prime number floor। और जो F और G हैं दोनों के दोनों इसको यहाँ पर नहीं लिखते हैं क्योंकि लेने आ सकती है नीचे ये बोल रहे हैं कि जो एफ और जी हैं दोनों के दोनों पर पर रहते रहते हैं हैं प्राइम नंबर के फ्लोर पर रहते हैं। ठीक है दोनों का जो फ्लोर नंबर है वो प्राइम नंबर है एश आ, एश फ्लो, एश फ्लोर, फ्लोर विच ऑन विच डी लिफ्ट मतलब डी के दो फ्लोर ऊपर एच रहता है मतलब एक के गैप पे ऊपर एच आ जाएगा नॉट मोर देन सेवनोर आर देर इन द बिल्डिंग बिल्डिंग में सत्रह फ्लोर से ज्यादा फ्लोर्स नहीं है ठीक है अच्छा एक लाइन यहाँ पे ये मिस हो गई नॉट मोर देन टू पर्सन लिविंग लिव विद डी डी के नीचे दो से ज्यादा लोग नहीं है दो से कम लोग होंगे मतलब डी के नीचे इस तरह से ये कुछ हमसे बोल रहे हैं ठीक है सारी पॉसिबिलिटी सॉरी पॉसिबिलिटी दो ही थी कंडीशन जितनी भी थी हम नोट डाउन कर लिए हैं अब इसमें हमें सेट करना है अब देखो सी और ई e वाली पहली बात थी जो पता नहीं है हमको अभी यहाँ पर ना सी ना ई लेकिन हाँ एफ और जी पता है तो देखो एफ और जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तीन लोग एफ जी में हैं एक दो तीन यहाँ भी एक दो तीन तीन लोग हैं इसका मतलब थ्री प्लस वन हंड्रेड इज फोर चार लोग होंगे किसके बीच में ई और ए के बीच में कितने लोग होंगे चार लोग होंगे अच्छा ई जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर नहीं है और ई डी से नीचे और डी के नीचे दो फ्लोर ज्यादा नहीं है इसका मतलब ऑब्वियस ये बात है ई नीचे ही आएगा ई ऊपर रखेंगे तो डी हमारा सेट नहीं हो पाएगा डी के नीचे हमें दो से कम फ्लोर ही चाहिए ठीक है तो ई हमारा ये आ चुका है ई सॉरी ए आ चुका है तो एक दो तीन चार यहाँ पे क्या आ जाएगा ई e, ये हमारा फ्लोर आ गया ई e जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर नहीं है और ठीक है अच्छा यहाँ भी रख रखे देखते हैं पहले एक दो तीन चार और यहाँ पर क्या गया? E आ गया ई right. आ e गया राइट ई फर्स्ट फ्लोर पर है नहीं तो सेकेंड पर हो सकता है और डी के नीचे दो से ज्यादा फ्लोर आने नहीं है और डी इसके ऊपर आना इसका मतलब डी यहाँ पर होगा और दो फ्लोर इसके नीचे हो जाएंगे मतलब ये फर्स्ट फ्लोर होगा ये सेकेंड ये थर्ड इस तरह से ऊपर बढ़ते जाएंगे ऐसे सेम यहाँ पर डी आ जाएगा और फिर उसके नीचे ई e और उसके नीचे एक फ्लोर और क्योंकि बोला गया है कि ई e फर्स्ट फ्लोर पर है नहीं और डी के नीचे दो से ज्यादा फ्लोर आने नहीं है इसका मतलब ये वाला ही केस ऐसा कुछ बनेगा फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन और सेवनटीन सत्रह फ्लोर यहाँ पर हो चुके हैं बोल रहा है सत्रह फ्लोर वैसे भी नहीं है सत्रह यहाँ पे कम्प्लीट आते हैं इसमें कितने हो जाते हैं तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और तेरह इसमें इतने आ रहे हैं अभी तो हम इसको सेट कर चुके और इस वाली कंडीशन को हम सेट कर चुके और इसको हम सेट कर चुके ठीक है अच्छा डी के ऊपर एच रखना है एक गैप पर डी ए है एच ही हो जाएगा डी ए है और एच ही हो जाएगा मतलब इसको भी हमने सेट कर दिया अब क्या है सी और ई e रख देते हैं e ई आ चुका है हमारे पास तीन गैप पे सी रखना है तो एक दो तीन मतलब सी यहाँ आ जाएगा इसमें ए, एक दो तीन सी यहाँ पर आ जाएगा ये भी सेट हो गया अब क्या बचा अब बस ये बचा एफ और जी प्राइम नंबर पर है दोनों प्राइम नंबर पे लेकिन यहाँ पर देखो जी जो है वो प्राइम नंबर पे नहीं है जी किस पे है नाइन्थ नंबर पे है नाइन इज नॉट द प्राइम नंबर नाइन जो है वो प्राइम नंबर नहीं है फिफ्थ एफ तो है थर्टीन बिल्कुल करेक्ट है बट ये नहीं है इसका मतलब पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या हो जाती है रॉन्ग हो जाती है यहाँ पे क्या आ रहा है एफ थर्टीन पर आ रहा है और जी सेवनटीन पर आ रहा है जो दोनों के दोनों क्या है प्राइम नंबर है इसका मतलब ये वाली जो हमारी पॉसिबिलिटी uh, बन रही थी ये हमारी बिल्कुल करेक्ट है और कम्प्लीट यहाँ पर बन गई है ये वाली पॉसिबिलिटी इस वजह से यहाँ पर रॉन्ग हो जाती है राइट right? तो ये हमारा राइट right सोल्यूशन है क्वेश्चन पर आ जाते हैं समझ में आया होगा आपको फर्स्ट पूछ रहे हैं कि जी कौन से पेपर रहता है देखो जी रहता है सेवनटीन फ्लोर पर ऑप्शन यहाँ पर हम डी टिक कर देंगे फिर पूछ रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग लिस्ट ऑन सेवंथ फ्लोर सेवन फ्लोर पर कौन रहता है सेवन्थ फ्लोर पर कौन रहता है देख लो चेक कर लो ए रहता है बी ऑप्शन टिक करेंगे रहता ए है बट ऑप्शन बी में लिखा है वो फिर बोल रहे हैं हु इज इमीडिएटली अब एच एच के ऊपर कौन है एच के ऊपर कौन है सी है दैट इज़ ऑप्शन ए यहाँ पर हम टिक कर देंगे फिर बोल रहे हैं हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर कितने फ्लोर्स हैं टोटल सेवनटीन तो ऑप्शन ई e यहाँ पर हम टिक कर देंगे ई रेट इज सेवनटीन फ्लोर्स आर देयर राइट नेक्स्ट पूछ रहे हैं हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन एफ एंड डी एफ और डी में कितने लोग हैं एफ ये लिखा हुआ है और डी का लिखा है ये लिखा हुआ है काउंट कर लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन कितने लोग हैं नाइन इज ऑप्शन ए यहाँ पर हम टिक कर देंगे टोटल लोग यहाँ पर कितने नाइन हैं इनके बीच में राइट right? तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं तो इस तरह से एक फसल हमें सॉल्व करनी थी और यहाँ पर इन क्वेश्चंस को टिक करना था आई होप समझ में आया होगा आपको अगर आप लोग क्वेश्चंस कोई सॉल्व कर रहे हैं मेज़ का और आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क ऑन सी एफ डॉट मानवी एट जी मेल डॉट कॉम यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन या कोई भी पजल अपनी ड्रॉप कर सकते हैं मैं इसका आपको वीडियो सोलूशन में प्रोवाइड कर दूँगी इसी चैनल पर राइट उसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप फॉर द अपकमिंग लिंक और जो भी नोटिफिकेशन आते हैं चैनल पर उसके लिए प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं आप ऐप करंडर फंडा की यहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स ऑफ रीजनिंग मिल जाएगा जिसमें हमने प्री टू मेस डिस्कस किया है ऑल कॉम सेट टॉपिक वाइज क्लासेस हैं हाई लेवल की पजल्स हैं और इंटरव्यू क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे तो इस ऐप के लिए इस कोर्स के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और ऐप पर डिस्काउंट होता है तो आप वहाँ पर जाकर इसको आप चेक कर सकते हैं मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में थैंक्स फॉर वॉचिंग अ नाइस डे